हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शीबा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ पैन पिज्ज़ा की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में घर में ही बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पिज्ज़ा बेस पर सॉस लगाएंगे, पिज्ज़ा सॉस। ये हमें 2 टेबलस्पून भर के लेनी है और इसे अच्छी तरह से इसे कवर कर देना है। और एजेस पर हमें थोड़ा नहीं लेके जाना है, थोड़ा कम लगाएंगे। तो इस तरह से ही हमें थोड़ी थोड़ी एजेस छोड़ के पूरे पे स्प्रेड कर देना है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपनी चीज़, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। चीज़ आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजीज, जिसमें मैंने ले रखे हैं टमाटर, इस तरह से मैंने कट कर रखे हैं। आप इसमें स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, नॉन वेज भी आप डाल बना सकते हैं, जिसमें आप चिकन पीसेस डाल सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल रही हूँ, अनियन डाल रही हूँ, टोमेटो लिया है मैंने। आप अपनी पसंद से जो भी पसंद करते हो वो आप इसमें वेजेस डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स तरह से हम थोड़े से इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। हम ले रहे हैं सीजनिंग, तो आप यहाँ पे सीजनिंग में इटालियन सीजनिंग या कुछ भी जो आप पसंद करते हो, ऑरिगेनो डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दी है इसमें। और अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे चीज़। तो चीज़ तो जितना भी डालें उतना ही यम्मी बनेगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि कितना आप डालना चाहते हैं। यहाँ हमने अपना पैन ले लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा बटर। तो इसे हम पूरे में स्प्रेड कर देंगे ताकि पूरा अच्छे से ग्रीस हो जाए। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये डालते हैं तो आपका बेस भी बहुत ही अच्छा, क्रीमी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पे ये बटर अच्छे से स्प्रेड करा है और अब हम इस पर अपना पिज्ज़ा लगा देंगे। गैस मैंने ऑन कर रखी है, तो ये मैंने इस तरह से इस पे रख दिया है और इसे अब हम कवर कर देंगे इस तरह से। और 2 मिनट के लिए इसे हमने हाई हीट रखा हुआ है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम बिल्कुल लो कर देंगे और हमें 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है। और इसे हमें बीच बीच में छेड़ना नहीं है और इसे हमें धीरे धीरे आराम से इसको बेक होने देना है। और उसके बाद फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुक हो रहा है। लो मीडियम मैंने फ्लेम कर दी है तो ये बिल्कुल आराम से बन रहा है। मैंने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखी थी और 1 मिनट के बाद मैंने बिल्कुल लो कर दी, तो एकदम लो पर ही मैं बना रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये खोल के देखती हूँ और फ्लेम मैं कर देती हूँ ऑफ। वाओ, वेरी नाइस। देखिए जरा कितना खूबसूरत हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, तो अब हम इसे डिश ऑफ करते हैं। तो देखिए आप, ये हमारा पिज़्ज़ा बनके क्या ज़बरदस्त तैयार हुआ है कि बस माउथ वाटर, क्योंकि अब बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ, तो आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना यम्मी, कितना मज़ेदार पैन पिज़्ज़ा बनके तैयार है और इसे बनाना कितना आसान हो गया है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।